कुशीनगर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब कुशीनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बाइक छोटी गैंग के सदस्य किसी अपराध को अंजाम देने वाले हैं। कुशीनगर पुलिस ने जांच शुरू कर दी और तभी बाइक पर दो लोगों को आते देख उन्हें चेकिंग के लिए रुकने को कहा, जिन्होंने बाइक मोड़ी और भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने कुछ ही दूरी पर मुठभेड़ में दोनों को पकड़ लिया। पुलिस मुठभेड़ में अशोक के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे को पुलिस ने दूर से ही पकड़ लिया। दोनों आरोपी बाइक चोरी के अंतर जनपदीय संगठित गिरोह के सदस्य हैं। आपको बता दें कि पकड़े गए दोनों आरोपियों में अशोक पर 25,000 का इनाम घोषित था, जबकि उसके दूसरे साथी बाबूरंत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और दोनों आरोपी कुशीनगर के ही रहने वाले हैं, जिन पर विभिन्न थानों में कई मुकदमे भी दर्ज हैं। कुशीनगर से अनुराग रंजन की रिपोर्ट। जनपद कुशीनगर में अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसमें जनपद कुशीनगर की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तरिया सुजान क्षेत्र में एक 25,000 रुपए के इनामिया बदमाश, उसको गोली लगी है पुलिस एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में, और उसका एक अन्य साथी भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें 25,000 का जो वांछित है वो गैंगस्टर में वांछित था अशोक पुत्र जयकिशुन, और इसके ऊपर कतिपय मुकदमे हैं। साथ ही साथ इसका जो साथी है बाबूनंद, उस पर भी कई मुकदमे हैं। ये लोग एक संगठित गिरोह बना के चोरी की मोटरसाइकिलें ये इसमें व्यापार करते थे, इनको बेचते थे। ये गैंगस्टर में वांछित था, हमारी पुलिस टीम इस पर लगी हुई थी। इसके एनकाउंटर में हमारे जो टीम है उसमें निरीक्षक तरिया सुजान, साइबर इंस्पेक्टर हाटा इंस्पेक्टर और अन्य टीम हमारी शामिल रही है। सराहनीय कार्य करने वाली और पुलिस मुठभेड़ में शामिल हमारी टीम को 15,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है, और जनपद कुशीनगर में इसी तरीके से अपराधियों के खिलाफ अभियान चलता रहे।